आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत में गिलोय को अमृत कहा जाता है, जिसका अर्थ अमृता अर्थात ना मरने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना, आज इसका आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। इस प्रकार की ज्ञान आप लाखों रुपए खर्च करेंगे तो भी पूरे भारत में कोई भी नहीं बताने वाला। पौराणिक समय में देवताओं को युवा और स्वस्थ रखने में गिलोय मदद करता था, और इसके स्वास्थ्य वर्धक गुणों को देखकर इस बात की पुष्टि होती है कि गिलोय सेहत के लिए अमृत समान है। गिलोय अर्थात अमृत के वृक्ष एक बहुवर्षीय लता होती है, एवं इसके पत्तों का आकार पान के पत्तों की तरह होता है। इसका तना सफेद से लेकर भूरा रंग का होता है, और यह 1 से 5 सेंटीमीटर की मोटाई तक बढ़ सकता है। आयुर्वेद में गिलोय को ज्वर बुखार की सर्वोत्तम औषधि माना गया है। गिलोय के पीले हरे रंग के फूल गर्मी के मौसम में खिलते हैं, जबकि इसके फल सर्दियों में देखे जाते हैं। गिलोय के फल हरे रंग के होते हैं और पकने पर इनका रंग लाल हो जाता है। गिलोय के अधिक औषधीय गुण इसके तने में मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी पत्तियों, फल और जड़ का भी बहुत उपयोग किया जाता है। इससे शरीर की कायाकल्प होता है। प्राचीन समय में देवता अपने शरीर को युवा रखने के लिए इस रस का प्रयोग करते थे। यह विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों और रोगों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। हो सकता है आपने गिलोय की बेल देखी हो, लेकिन जानकारी के अभाव में गिलोय की पहचान नहीं कर पाए हो। गिलोय का पौधा एक बेल के रूप में होता है, और इसकी पत्तियां पान के पत्ते की तरह होती हैं, जैसा कि हमने पहले बताया है। गिलोय के औषधीय गुण कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में उपयोग किए जाते हैं। गिलोय के कुछ महत्वपूर्ण फायदे अब हम बताने जा रहे हैं। गिलोय के प्रयोग से बढ़ा इम्यूनिटी। दोस्तों, गिलोय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है रोगों से लड़ने की क्षमता देना। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं और खतरनाक रोगों से लड़ते हैं। गिलोय गुर्दों और जिगर से विषाक्त पदार्थों को दूर करता है, और मुक्त कणों फ्री रेडिक को भी बाहर निकालता है। इन सब के अलावा गिलोय बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में संक्रमण और जिगर की बीमारियों से भी लड़ता है, जो अनेक रोगों का कारण बनते हैं। नियमित रूप से गिलोय का जूस का सेवन करने से रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, गिलोय का एक अन्य लाभ यह है कि यह लंबे समय से चले आ रहे ज्वर और रोगों का इलाज करता है, क्योंकि इसकी प्रकृति ज्वरनाशक है। इसलिए यह जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारियों के संकेतों और लक्षणों को कम करता है। यह आपके रक्त में प्लेटलेट्स की गिनती को बढ़ाता है और डेंगू बुखार के लक्षण को भी दूर करता है। गिलोय के साथ तुलसी के पत्ते प्लेटलेट की गिनती को बढ़ाते हैं और डेंगू से लड़ते हैं। गिलोय के अर्क और शहद को एक साथ मिलाकर पीना मलेरिया में उपयोगी होता है। बुखार के लिए अनेक आयुर्वेदिक दवाओं में गिलोय का उपयोग एक अनिवार्य घटक के रूप में होता है। दोस्तों, यह आपके पाचन तंत्र की देखभाल कर सकता है। 0.5 ग्राम इसके पाउडर को कुछ आंवला के साथ नियमित रूप से लें। अच्छे परिणाम के लिए गिलोय का रस छाछ के साथ भी लिया जा सकता है। यह उपाय बवासीर से पीड़ित रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, गुरुजी आप लोगों को जानकारी बताएंगे कि अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो गिलोय निश्चित रूप से आपके लिए प्रभावी होगा। गिलोय एक हाइपोग्लाइसिन के स्तर को भी कम कर सकता है। यह टाइप 2 मधुमेह के इलाज को बहुत आसान बनाता है। मधुमेह रोगियों को नियमित रूप से रक्त शर्करा के उच्च स्तर को कम करने के लिए गिलोय का जूस पीना चाहिए। गिलोय को एडेप्टोजेनिक जड़ी ब्यूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य टॉनिक बनाने के लिए गिलोय अक्सर अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ावा देने और काम पर ध्यान लगाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क से सभी विषाक्त पदार्थों को भी साफ कर सकता है। गिलोय की जड़ और फूल से तैयार गिलोय के रस का नियमित सेवन एक उत्कृष्ट मस्तिष्क टॉनिक के रूप में समझा जाता है। गिलोय को अक्सर एक बुढ़ापा विरोधी जड़ी बूटी बुलाया जाता है। अस्थमा के कारण छाती में जकड़न, सांस की तकलीफ, खांसी। हालांकि कुछ आसान उपायों से अस्थमा के लक्षणों को कम किया जा सकता है, उनमें से एक उपाय है गिलोय। यह अक्सर अस्थमा के रोगियों के इलाज के लिए विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय का रस दमा के इलाज में उपयोगी है। नीम और आंवला के साथ मिलाकर इसका मिश्रण इसे और अधिक प्रभावी बनाता है। अगर आप वातरोग गठिया से पीड़ित हैं तो आपको गिलोय का सेवन करना चाहिए।
इसमें सूजन को कम करने के साथ साथ गठिया विरोधी गुण भी होते हैं, जो कि गठिया और जोड़ों में दर्द सहित इसके कई लक्षणों का इलाज करते हैं। गिलोय गांठ को राहत देने के लिए अरंडी के तेल के साथ प्रयोग किया जा सकता है। गठिया के इलाज के लिए यह घी के साथ भी प्रयोग किया जाता है। यह रूमेटिक गठिया का इलाज करने के लिए अदरक के साथ प्रयोग किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हम अपने चैनल स्पिरिचुअल ट्री चैनल के माध्यम से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ पौधे की हर एक जानकारी भारत के सभी लोगों को फिर से प्राप्त हो, लोग आयुर्वेद को समझे। पेड़ पौधे जड़ी बूटियों की जानकारी एक बार फिर से काफी मेहनत करके यह जानकारी हम आपके लिए लाए हैं। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद अवश्य लिखना, मेरा मनोबल बढ़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट अवश्य करना दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप बिस्तर पर अच्छे नहीं हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप तुरंत गिलोय का सेवन शुरू कर दें। पुरुषों के लिए भी गिलोय एक वरदान है, क्योंकि गिलोय एक कामोद्दीपक दवा है जिसकी मदद से शरीर में काम इच्छा की वृद्धि होती है। यह सेक्स इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, जिसके स्वरूप आप वैवाहिक सुख अच्छी तरह से भोग सकते हैं। इसका सेवन अश्वगंधा के साथ करने पर 10 घोड़ों की शक्ति भी आ जाती है। इससे आप अपने पार्टनर को थका देंगे, लेकिन आप नहीं थकेंगे दोस्तों। गिलोय नेत्र विकारों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आंखों की रोशनी बढ़ा देता है और चश्मे के बिना बेहतर देखने में मदद करता है। भारत के कुछ भागों में लोग गिलोय को आंखों पर उपयोग करते हैं। आप गिलोय को पानी में उबाले उसको ठंडा करें और फिर आंखों की पलकों पर लगाएं। आपको निश्चित रूप से एक परिवर्तन दिखाई देगा दोस्तों। गिलोय उम्र बढ़ने के लक्षणों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उम्र विरोधी गुण है, जो कि काले धब्बे, मुहासे, बारीक लाइनों और झुर्रियों को कम करते हैं। यह आपकी त्वचा को उज्जवल, युवा और सुंदर रखता है। चेहरे के दाने, झाई, मुहासे, काले धब्बों पर गिलोय के रस को लगाने से सब त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। गिलोय के अन्य फायदे दोस्तों। गिलोय त्वचा और लीवर से संबंधित रोगों के इलाज के लिए चीनी के साथ प्रयोग किया जाता है। गिलोय कब्ज के इलाज के लिए गुड़ के साथ प्रयोग किया जाता है। गिलोय के पत्तों को पीसकर एक गिलास छाछ के साथ मिलाकर सुबह सुबह सेवन करने से पीलियां ठीक हो जाता है। इसके अलावा गिलोय के काढ़े में शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पीने से भी पीलियां ठीक होता है। गिलोय के तने को उबालकर बनाए गए काढ़े को ठंडा करके पीने से उल्टी से राहत मिलती है। गिलोय के रस का सेवन करने से दिल की कमजोर दूर होती है और दिल के रोग भी ठीक हो जाते हैं। गिलोय के रस के सेवन से शरीर में खून की कमी, एनीमिया दूर होती है। शरीर में जलन से राहत के लिए गिलोय के रस को नीम के पत्तों और आंवला को मिलाकर काढ़ा बना लें और दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करें। सुबह के समय खाली पेट गिलोय का रस पीना पेट के कीड़ों के इलाज में उपयोगी है। अगर आप सर्दी जुकाम से परेशान हैं तो हम आपको एक बार गिलोय का सेवन करने की सलाह देंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, गिलोय हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे सर्दी जुकाम के संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। इसके पश्चात गिलोय में सूजन रोधी गुण भी होते हैं, जो कि सर्दी जुकाम में हुए सूजन को कम करते हैं, जिससे खराश और नाक बहने में भी राहत मिलती है। इसके अलावा गिलोय में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। ये गुण गिलोय को एक सुपर पावर हर्ब बनाते हैं, क्योंकि ये गुण बैक्टीरिया और वायरस का खात्मा करते हैं। सर्दी जुकाम की समस्या के लिए बैक्टीरिया और वायरस ही जिम्मेदार होते हैं, जिनका खात्मा करके गिलोय सर्दी जुकाम से राहत दिलाता है। हम सभी अपनी बढ़ती उम्र को रोकना चाहते हैं, इसके प्रोसेस को धीमा करना चाहते हैं, या यूं कहें कि उम्र बढ़ने के लक्षणों को दूर करना चाहते हैं। इसके लिए आपको हजारों खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रोजाना सुबह योग के साथ ही खाली पेट आप एक गिलास गिलोय के जूस का सेवन कर सकते हैं। रोजाना सिर्फ एक गिलास गिलोय का जूस आयु बढ़ने के लक्षणों को कम करता है, साथ ही यह एजिंग प्रोसेस को भी धीमा करता है, जिससे आप लंबे समय तक जवान दिखते हैं। इसका कारण है इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग गुण, जो कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करते हैं।